एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू रिमेम्बर दैट बेसिक स्ट्रक्चर, जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है वो बेसिकली सिमिलर होती है प्लांट में भी और एनिमल में भी। फॉर एग्जाम्पल बोथ कंटेन सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाता है, न्यूक्लियस प्लांट सेल में भी होते हैं, एनिमल सेल में भी होते हैं, देन गॉल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, दीज आर सम ऑफ द कॉमन स्ट्रक्चर्स अमोंग बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। तो यहाँ पर हम लोग केवल बात करेंगे अबाउट द डिफरेंसेस। तो प्लांट सेल के केस में सेल वॉल पाई जाती है एंड दिस सेल वॉल इज कम्पोज ऑफ सेलुलोज, ये सेलुलोज का बना होता है। इनकेस ऑफ एनिमल सेल, सेल वॉल एबसेंट होती है। प्लास्टिड, प्लास्टिड फॉर एग्जाम्पल क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, प्लांट सेल में प्लास्टिड पाई जाती है एंड बेसिकली ये हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में। एंड इनकेस ऑफ एनिमल सेल प्लास्टिड एबसेंट होती है। सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम जो होते हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम्स लेटर ऑन गिव्स राइज टू सेंट्रियोल्स, इसके मदद से ही क्या बनता है सेंट्रियोल्स, एंड लेटर ऑन सेंट्रियोल्स गिव राइज टू स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर। यहां पर ध्यान रखना है कि इन केस ऑफ प्लांट सेल सेंट्रोजोम रिमेन्स एब्सेंट, दैट मींस कि सेंट्रियोल और स्पिंडल फाइबर उसका वहां से सेंट्रोजोम से नहीं बनता है, बट इन केस ऑफ एनिमल सेल सेंट्रोजोम्स रिमेन्स प्रेजेंट। साथ ही साथ याद रखना है इन केस ऑफ प्लांट सेल वैक्यूल्स, वैक्यूल्स जो होते हैं वो सिंगल होते हैं और काफी बड़े साइज के होते हैं, सिंगल एंड लार्ज, बट इन केस ऑफ एनिमल सेल या तो आपके वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं या फिर बहुत छोटे साइज के होते हैं। चलिए हमारी वीडियो खत्म होने वाली है बिल्कुल, लेट्स टॉक अबाउट अवर लास्ट टॉपिक दैट इज प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल। न्यूक्लियस, जब हम बात करते हैं आपके न्यूक्लियस के बारे में तो ध्यान देना है कि न्यूक्लियस इन केस ऑफ प्लांट सेल्स लाइज ऑन द साइड टुवर्ड्स पेरिफेरी, ये थोड़ा सा आपके पेरिफेरी के तरफ होता है, बिल्कुल सेंटर में नहीं होता। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं दिस इज द लार्ज वैक्यूल्स और ये जो आपका न्यूक्लियस है ये थोड़ा सा पेरिफेरी की तरफ आपका मूव कर जाता है। और ये आपको ध्यान देना है इन केस ऑफ एनिमल्स न्यूक्लियस इज बेसिकली सेंट्रली लोकेटेड, सेंट्रली प्लेस्ड, बेसिकली वो कहां पर होता है सेंटर पर पाया जाता है। प्लांट सेल का साइटोप्लाज्म आपका कम डेंस होता है, लेस डेंस होता है, ज्यादा गाढ़ा नहीं होता, बट एनिमल सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो ज्यादा डेंस होता है और ग्रैनुलर होता है, दैट मींस कि उसमें छोटे छोटे ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ते हैं। प्लांट सेल्स आर रिजिड एंड कैन नॉट चेंज शेप, प्लांट सेल जो होते हैं वो रिजिड होते हैं, रिजिड मतलब कि टफ होते हैं, या फिर इसको हम लोग दूसरे भाषा में हार्ड भी समझ सकते हैं। ये कैसा होता है, हार्ड होता है एंड बेसिकली ये शेप चेंज नहीं करता। ऑन द अदर हैंड एनिमल सेल्स कैन चेंज देयर शेप, हम लोग अपने सेल के शेप को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। प्लांट सेल्स आर यूजुअली लार्जर इन साइज, अगर हम साइज की कंपैरिजन करते हैं तो प्लांट सेल एनिमल सेल से बड़े होते हैं एंड एनिमल सेल्स आर कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज। अगर बात करते हैं प्लांट सेल की तो प्लांट सेल में जो स्टोर्ड फूड होता है, जो जमा खाना होता है, दैट इज नोन एज स्टार्च, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बट एनिमल सेल का जो स्टोर्ड फूड होता है दैट इज ग्लाइकोजन, बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन दोनों ही जो होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट ग्रुप के मेंबर होते हैं। नीचे में मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए दोनों ही प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम बना दिया है ताकि इसको देखकर भी आप इजिली समझ सकते हैं। तो ओवर हियर वी हैव द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल, अगर आप उसको लेवल करना चाहें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आउटर मोस्ट सेल वॉल, सबसे बाहर में आपकी सेल वॉल है, देन इनसाइड सेल वॉल वी हैव सेल मेम्ब्रेन यहां पर आपका, एंड दिस सेल मेम्ब्रेन इज कॉमन अमंग बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। फिर इसकी बात करते हैं लार्ज वैक्यूल, ये काफी बड़ा होता है वैक्यूल, देन ओवर हियर वी हैव गॉल्जी बॉडी, दिस वन ओवर हियर इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड ओवर हियर वी हैव न्यूक्लियस, ये जो है आपका दिस वन इज माइटोकॉन्ड्रिया, एंड दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन इज क्लोरोप्लास्ट।
तो फ्रेंड्स आपको ये डायग्राम समझने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी और आई होप कि आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। सो वंस अगेन फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो काइंडली डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू शेयर दिस वीडियो अमंग नीडफुल बायोलॉजी स्टूडेंट। वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड हैव अ लवली डे।